सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे। दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम को चौथे वनडे मैच में जीतता हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला मोहाली क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 6 गेंदों में 7 रन बनाकर वह आउट हो गए, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए उसे लोग काफी हैरान रह गए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर ने जब उनका कैच पकड़ा तब ऐसा लग रहा था कि गेंद जमीन को छूती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, लेकिन जब करीब से देखा गया तो गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से पहले ही जमीन पर गिर चुकी थी और उसके बाद विकेट कीपर ने इस गेंद को पकड़ा और आउट की अपील की। इस बार मैदानी अंपायर ने भी विराट कोहली को आउट करार दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए ये मामला थर्ड अंपायर के पास भेज दिया। इसके बाद थर्ड अंपायर ने भी इस चीज का फैसला देते हुए विराट कोहली को आउट दे दिया। विराट कोहली ने इस सीरीज में 2 शतकीय पारी खेली। भारतीय टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 193 रनों की शानदार पार्टनरशिप की। इसके बाद भारत ने 9 विकेट गंवाकर 358 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया। इस मैच में धवन ने 115 गेंदों में 143 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के साथ रोहित शर्मा 95 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैच में ऋषभ पंत ने भी 19 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है विराट कोहली के इस आउट के बारे में? क्या विराट कोहली सच में आउट थे या नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।